नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर एक बात हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा लेसन हमने अभी खत्म किया था? जन्मभूमि। जन्मभूमि देश के प्रति प्रेम, और देश के प्रति प्रेम जताया नहीं करते, एहसास दिलाया करते हैं, राइट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एक चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सन 1974 की बात थी, 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी के दिन बढ़ रहे थे और गर्मी दिन प्रतिदिन अपना काम करते हुए बढ़ रही थी। विज्ञान अनुसंधान परिसर में, बेंगलुरु के विज्ञान अनुसंधान परिसर में बड़े बड़े गुलमोहर के पेड़ लदे हुए थे फूलों से, लाल गुलाबी फूल, और चारों ओर माहौल कुछ गुलाबी सा मालूम होता था। ऐसे माहौल में अभी अभी कंप्यूटर विज्ञान की एक छात्रा क्लास खत्म करके अभी अभी हॉस्टल की गर्ल्स हॉस्टल की ओर आगे बढ़ रही है। उसी समय एक नोट उसने देखी जो बोर्ड पर लगाई गई थी। वो पेपर विज्ञापन में, पेपर में विज्ञापन आया था, और वह पद इंजीनियर यानी कि इंजीनियर के लिए था, राइट। इंजीनियर सेवाभावी जो प्रेम से सेवा करना चाहता है, ऐसे पद के लिए एक विज्ञापन आया था और वो विज्ञापन बोर्ड पर लगाया गया था। उस लड़की ने जाते 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 पढ़ा, उसकी नजर पड़ी और देखा उसने कि हाँ, ठीक तरह से देखा। इसके बाद पढ़ने के बाद वो चौंकी जाएगी, क्योंकि बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। कौन? महिला उम्मीदवार, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स कैन नॉट अलाउड, और ये बात कहना उसमें था, यानी कि वही इशारा किया था उसमें कि फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, और दे आर नॉट एबल और नॉट एप्लीकेबल ऑफ दिस पोस्ट, इस प्रकार सूचना कही गई थी। तो थोड़ी देर के लिए वो रुक सी गई, अरे मैं क्या पढ़ रही हूं। वो लड़की पुरुष और महिला के बीच जो भेद था, उसी समय की बात है, 1974, और वो लड़की सोचती रही कि मैं क्या पढ़ रही हूं, मैंने सही तो नहीं पढ़ा, और सही तो पढ़ा है, यही तो लिखा है। और फिर मन में उसका मन विचलित हो चुका कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अरे ये विज्ञापन तो बहुत ही फेमस टेलको कंपनी के लिए है, टाटा टेलको कंपनी के लिए है, और ऐसा महिला उम्मीदवार आवेदन न करे मतलब क्या? ऐसी कंपनियां अगर, इतनी अच्छी फेमस कंपनियां अगर महिला और पुरुष के बीच भेद करेंगी तो चलेगा कैसे? उसने कसम खाई और हॉस्टल में गई, कमरे में बैठी, कलम ली और उसने एक पोस्टकार्ड लिखा, पोस्टकार्ड इतना छोटा, और वो JRD टाटा के नाम से वो इतना जानती थी कि टाटा बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान में, लोहपात इस्पात और तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, स्टील क्षेत्र में बहुत बड़ा, आयन क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, बस इतना जानती थी। फिर उसने किसी भी तरह से नाम खोज लिया कि मेन पर्सन कौन है, इसीलिए JRD टाटा को उसने एक खत लिखा, और खत में लिखा कि आपकी कंपनी इतनी फेमस है हिंदुस्तान में, सब उसकी मान सम्मान कर इज्जत बढ़ाते हैं, और आप लोग हिंदुस्तान के गौरव की बात है कि आप लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को गौरव दे रहे हैं और सभी लोगों को मजदूरी वगैरह दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल पसंद भी नहीं आई कि आप लोग, आप इतने बड़े समझदार, इतनी बड़ी कंपनी, और महिला और पुरुष लिंग भेद करेगी तो ये कैसे चलेगा,
आप समझदार हो, आप अच्छे इंसान हो, फिर भी ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? फिर अगर ऐसा करेंगे तो आपकी कंपनी में महिला उम्मीदवार किस प्रकार काम कर सकती है? वो तो हमेशा के लिए आप बंद कर देंगे ये द्वार, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार एक खत लिखा और 10 ही दिनों में वापस प्रत्युत्तर आया, और प्रत्युत्तर में उसे भी उम्मीदवार में शामिल किया गया और फिर इंटरव्यू यानी कि मुलाकात के लिए उसे बुलाया गया। साक्षात मुलाकात यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, फिर बहुत ही बात हुई, तकनीकी सवाल पूछे गए, सभी प्रकार के सवालों के बेहतरीन जवाब दिए, और फिर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछा कि आप क्यों इस क्षेत्र में आना चाहती है और आप क्यों ऐसा करना चाहती है? ये तो मेन पद के लिए आवेदन मांगा गया है और मेन पद पर स्त्री की नियुक्ति हम नहीं कर सकते। तो वापस उन्होंने एक लाइन कही कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अभी से भेदभाव कर रहे हैं, और जिंदगी भर कोई स्त्री आपके आपकी फैक्ट्री में आपके कारखाने में कोई जिंदगी भर काम नहीं कर पाएगा। आप मौका मुझे दीजिए, ऐसा तो उसने नहीं कहा, लेकिन बात समझ गए और वो बुजुर्ग ने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं, ये शुरुआत आपसे करते हैं, हम आपको चुनते हैं। खुशी की बात थी और वो टेलको कंपनी की इंजीनियरिंग पद पर चुनी गई। वो कोई और लड़की नहीं थी जिन्होंने ऑलरेडी विदेश जाने के लिए सोच रखा था, विदेश से उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी तकनीकी विज्ञान अनुसंधान के लिए यानी कि रिसर्च के लिए, और चाव से बहुत आराम से पढ़ रही थी, उसे पैसों की जरा भी जरूरत नहीं थी, थोड़ी सी भी जरूरत नहीं थी, ढेर सारे पैसे थे उसके पास, और वो लड़की बहुत ही यानी कि पूरे क्लास में लड़के थे कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र के, और एक ही लड़की वो पढ़ रही थी, वो बहादुर लड़की और बहुत ही ज्ञानी लड़की और कोई नहीं थी, हमारे देश की सुधा कुलकर्णी। यानी कि उन्होंने 1982 में 8 साल तक वहां नौकरी की, वहां रहते हुए उसी इंजीनियर उसी क्षेत्र के इंजीनियर नारायण मूर्ति के साथ उसने शादी कर ली। शादी ब्याह के बाद उन्होंने 1982 में इस्तीफा दे दिया और इसके बाद खुद की कंपनी बेंगलुरु में शुरू की, और वो इंफोसिस कंपनी आज भी मौजूद है और सबसे बेहतरीन काम करने वाली, दिन रात उन्होंने पति के साथ काम किया और दिन दुनी रात चौगुनी बहुत तेजी से, और उनकी फैक्ट्री ने 4 चांद लगा दिए, दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, पूरे विश्व में बेहतरीन नाम कमाया। और वह है वो फिर थोड़े ही समय में 1996 में चेयरपर्सन बन गई इंफोसिस कंपनी की, वो और कोई नहीं सुधा मूर्ति, जो लास्ट में हमें शायद आप लोगों को पता होगा 2008 में और 2010 में 2008, 9 और 10 में लगातार वे न्यूज में बनी रही थी, क्योंकि नर्मदा का जल अतिशय बढ़ने से मध्य प्रदेश के कुछ सामान्य परिवार के लोगों की जमीन उसमें चली गई थी, उन्हें न्याय दिलाने के लिए वो अमरनाथ उपवास पर पड़ी थी और उसकी मांगे भी पूरी हुई। बहुत बड़ी लेखिका, संपादक, समाज सेविका, कार्यकर्ता, जिसे कहा जाए सभी गुण सर्वगुण संपन्न, स्त्रियों में सबसे बेहतरीन काम करने वाली और बहुत ही ब्रेव, बहुत ही अपने नियम में मानने वाली और कोई नहीं थी, जिन्होंने पूरे कर्नाटक स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी और घूम घूम कर लाइब्रेरी, किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल्स, कंप्यूटर सभी प्रकार का दान किया। वह थी सुधा मूर्ति। तो महिलाओं के लिए आदर्श, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो हर विद्यार्थिनी विद्यार्थी अलर्ट हो जाए, हम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम की तरह यानी कि एक मोटिवेशनल पर्सन की तरह उसे देखने जा रहे हैं जो आज हमारे लिए मोटिवेशनल रूप बन रही है, और मोटिवेशनल प्रोग्राम उससे हमें सीखना है और हमें उससे मोटिवेट होना, वह बात हम उससे
अभी देखने जा रहे हैं।